नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट सिटीजन न्यूज़, आम जनता की आवाज़, ताज़ा तरीन खबरों के साथ। गौशालाओं की समस्या को लेकर कुठौंद की नहर कोठी पर किया गया धरना प्रदर्शन। जनपद जौलान के विकास खंड कुठौंद की ग्राम पंचायत रोमई मुस्तकिल में खराब भूसे के खाने से आए दिन गाय तोड़ रही थी दम। इसी सिलसिले में आज राष्ट्रीय बजरंग दल एवं ब्लॉक के सभी प्रधानों व सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा नहर कोठी पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी से संबंधित एक ज्ञापन तहसीलदार बलराम गुप्ता जौलान को दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गणेश द्विवेदी, थाना अध्यक्ष कुठौंद अखिलेश कुमार द्विवेदी एवं खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शाल्या, एडीओ पंचायत गिरजा शंकर निरंजन के समक्ष इस संबंध में ज्ञापन दिया गया। तहसीलदार बलराम गुप्ता के द्वारा अति शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन देने के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं एवं प्रधानों ने धरना को समाप्त किया। जनपद जालौन से रिपोर्टर आदित्य प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। इसी प्रकार की समस्या है जिससे गायों की मृत्यु हो रही है। वीडियो साहब और पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ इसमें लिखा है कि गाय प्रतिदिन एक दो गाय मरती हैं, सही इलाज न होने के कारण और भूखों से गाय प्रतिदिन एक दो गाय मर रही है। तो उनसे हमारा निवेदन यही है, सही भूसा सही चारा दिया जाए जिससे हमारी गाय जो हमारी बच सके, उनकी हम सेवा कर रहे हैं, तो हमारा यही विचार है। सबको पैसा दे दिया है, नया भूसा खरीदने के लिए संबंधित सचिव को बोल दिया है। खराब भूसा के लिए उन्होंने कभी रिसीविंग नहीं दी और कह दिया था कि इसके लिए कमेटी करिए, तो कमेटी से पास कराने के बाद ही भूसा कराएं और कोई भी इस प्रकार से भूसा ना दे रहे। और टेंडर वाले को भी हमने पत्र इशू कर दिया है कि अगर ये खराब भूसा देते हैं तो इनकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। इनकी